and welcome to Farah's vlog. How are you all doing? I hope you all are doing well. और फराह के ब्लॉग में हम लोगों का स्वागत है. तो आज है वेनसडे. ओके हाँ वेनसडे है और सवेरे के बज रहे हैं 12:15, मतलब दोपहर होने वाली है. मैंने थोड़ी सी कुकिंग शुरू कर दी है, उसकी रेसिपी मैं पोस्ट करूँगी इंशाल्लाह. एंड टुडे आई एम गोना मेक सम डिफरेंट स्टाइल ऑफ चिकन, पेरी पेरी चिकन आई एम गोना मेक. ओके आई एम गोना पोस्ट दैट रेसिपी टू इंशाल्लाह एंड आई एम सो हैप्पी दैट यू गाइस आर लाइकिंग ऑल द रेसिपीज व्हाट आई एम पोस्टिंग. बहुत अच्छा लग रहा है. ओह और बाहर का वेदर आज माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है, यू नो. और बहुत धूप है बट उतनी ही ठंडी भी है. बाहर जाना तो मेरा मन ही नहीं होता. ओके okay? मुझे ना थोड़ा सा इन्फेक्शन है बट आई थिंक दैट विल गो सून. तो चलो बिस्मिल्लाह बोल के किचन में जाते हैं और शुरू करते हैं पकाना, क्योंकि कैसे करके ना एक दो बच जाएंगे. ओके okay? तो पहले तो पेरी पेरी चिकन के लिए आपको चिकन चाहिए बोनलेस में या बोन वाला. उसको वॉश करके कट करके रख दो. और यहाँ पे मैंने जार लिया है, उसमें आपको रेड कलर के बेल डालना है, छोटे वाले पेपर्स. मैंने एक ग्रीन एक रेड चिली डाला है, ऑनियन डाला है, थोड़ा सा लेमन स्क्वीज किया है, थोड़ा सा पेपरिका डाला है, थोड़ा सा ऑनियन कट चॉप करके डाला है, थोड़ा सा लेमन जूस डाला है और बेजल लीव्स डाला है. ये सब आपको डाल के ना आपको एक पेस्ट बनाना है, टू अ वेरी फाइन पेस्ट. ओके और ये पेस्ट आपको साइड में रखना है. और उसके बाद में मैंने एक पॉट लिया है, उसमें ऑयल डाला है और ऑयल डालने के बाद जो मैंने पेस्ट बनाया है पेरी पेरी का, वो आपको ऐड करना है. और थोड़ा सा ऑन अ वेरी स्लो फ्लेम आपको सॉटे करना है. और सॉटे करने के बाद जो आपका बोनलेस चिकन है वो आपको डाल दे रहा है. और बहुत ही कम धीमी आंच पे आपको 5 से 10 मिनट तक उसको सॉटे करना है. मेक श्योर दैट यू हैव अ रेड पेपर्स. मेरे पास थोड़ा सा डार्क ब्राउनिश पेपर्स थे तो थोड़ा कलर में ना डिफरेंस होगा, बट इफ़ यू हैव रेड पेपर्स ट्रस्ट मी योर रेसिपी विल बी द बेस्ट. ओके और इजी और टाइम सेविंग भी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10-15 मिनट के अंदर कुक हो जाते हैं. जब ये पूरा मसाला मैंने सॉटे किया, ये आपको चिकन डालना ही है, या तो फिर आप इसको एकदम से ना धीमी आंच पे भी बना सकते हो, या तो आप इसको बारबेक्यू की तरह भी बना सकते हो. तो मैंने ऐसे ही इसको सॉटे किया है मसालों में. 5 से 10 मिनट के अंदर ये पक के रेडी हो चुका है. तो मेरी कुकिंग तो हो गई है, तो मैं अभी किनवा बना रही हूँ हस्बैंड के लिए. तो हस्बैंड ने कहा तुमने किनवा खाना है. इन बिटवीन आई मेक श्योर दैट आई ईट सम स्नैक्स, क्योंकि एज अ बिजी मदर वाइफ वी नेवर टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ. And the main important part is always take care of yourself first, so that you can take care of others later. So, मैं फिलहाल तो मैं बहुत कुछ खाती रहती हूँ छोटा छोटा मुँह में. तो आज कल ना मैंने ना यहाँ पे ग्रॉसरी स्टोर से ये ड्राई फ्रूट्स कुछ लेके आई हूँ, ड्राई नट्स है उसमें. उसमें है अपना बनाना चिप्स है, फिर गोल्डन रेजन्स पपाया, और छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें वो आपको कहीं पर यू एस में मिल जाती है. तो ऐसे ही मैं थोड़ा सा ना एक एनर्जी के लिए मैं ये थोड़ा सा ले लेती हूँ. और मैं रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स पूरे शेयर करूँगी. अच्छे बने हैं पेरी पेरी चिकन. फर्स्ट टाइम या आई थिंक 2-3 टाइम्स मैंने ट्राई किया था, तो आज मैंने सोचा चलो शेयर ही करती हूँ रेसिपी. और जो मैंने जैक फ्रूट का बनाया है वो भी बढ़िया बना है, वो मैं अलग से शेयर करूँगी रेसिपी. तो अभी मैं थोड़ा सा बैठूँगी, कुछ बातें करूँगी आप लोगों से. और यही कहूँगी कि आज है 26 जनवरी एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे. स्टे सेफ and take care of your nation, you know. And yeah, we have to be proud to be Indian. Of course, I'm proud to be an Indian. Okay, तो चलो खा लेती हूँ कुछ, आप लोगों से मिलती हूँ.